हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बिल्कुल सच्ची डरावनी घटनाएं, जिन्हें सुन के आप ये मानने पे यकीन कर लोगे कि वाकई में हाँ, हमारे अलावा भी किसी और दूसरी दुनिया का भी अस्तित्व शायद है, जिसमें वक्त वक्त पर वो लोग हमें अपनी मौजूदगी का एहसास भी कराते रहते हैं। तो चलिए, टाइम वेस्ट किए बिना मैं सीधा स्टोरीज पे आया होता हूँ। उससे पहले बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो तो आप स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर मुझे अपनी कहानी बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपकी कहानी को अपने चैनल पर सुनाऊँ। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधा कहानी पर आता हूँ। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये मेरी एक दी के साथ घटी हुई थी। आपको बता दूँ कि ये घटना बिल्कुल ही सच्ची है और उन दीदी का नाम डिम्पी है। वो अभी दिल्ली में रहती हैं और ये जो घटना मैं आपको बता रही हूँ, ये आज से 7 साल पहले की स्टोरी है, जब दी का अपनी बेस्ट फ्रेंड के भाई के साथ इंगेजमेंट हुआ था। दरअसल दोनों की ही लव मैरिज होने वाली थी। घर वालों को इस रिश्ता से मंजूरी मिल गई थी। उसके बाद जब दी का कॉलेज ख़त्म हो गया तो वो और उनके फ्रेंड कहीं बाहर घूमने का प्लान बना रहे थे। तब उनके मंगेतर बोले कि हमारे एक विलेज है जहाँ पे मेरे दादा परदादा सरपंच रह चुके हैं और अभी चाचा लोग भी वहीं रहते हैं, चलो क्यों ना हम लोग गाँव ही घूम के आ जाते हैं। तो उनकी बेस्ट फ्रेंड बोली कि हाँ डिम्पी, गांव में ही घूम के आते हैं, भाई भी वहाँ पे कभी नहीं गए हैं, चलिए इसी बहाने हम लोग गांव भी घूम लेंगे। दी बचपन से ही शहर में पली बड़ी हैं, जिसकी वजह से उनको भी विलेज लाइफ जानने का मौका मिल गया, तो उन्होंने भी मना नहीं किया। उन्होंने सोचा कि इसी बहाने शादी से पहले उन्हें कुछ टाइम और जीजू के साथ बिताने का मौका मिल जाएगा। दूसरे दिन ही वो जीजू, उनके बेस्ट फ्रेंड और उनके साथ उन लोगों के कॉलेज फ्रेंड भी वहाँ पे जाने के लिए निकल गए, और वो थे अभिषेक, तरुण, मेघा और स्नेहा। ये लोग जब गांव पहुँचे तो वहाँ पे उनके चाचा लोग उनको लेने आए हुए थे। वो लोग घर जाकर फ्रेश होके गांव घूमने के लिए निकल गए। उन लोगों को वहाँ पे घूमने में बहुत ही मज़ा आया, और क्योंकि वो सरपंच की फैमिली से बिलोंग करते थे तो सभी लोग काफ़ी इज्जत और प्यार के साथ उनका स्वागत कर रहे थे। पूरे दिन घूमने के बाद वो घर वापस आ गए शाम के टाइम में। डिनर के टाइम में रात में चाचा जी ने उनसे पूछा कि तुम लोगों को गांव में घूमने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? तो सभी लोगों ने कहा कि हमें यहाँ पर घूमने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। चाचू भी ये जान के थोड़े खुश हुए। उसके बाद दी बोली कि हम लोगों को कल ना परदादा वाली कोठी में जाना है, कल हम लोग वहाँ जाकर रहेंगे, फिर 2-3 दिन बाद वापस दिल्ली चले जाएंगे। तब उनके चाचा बोले कि बेटा वहाँ कोई नहीं रहता है, खाली पड़ा है, वहाँ पे जाके क्या करोगे? पर दी और उनके मंगेतर और उन लोगों के फ्रेंड को अकेले रहना था ताकि वो कुछ समय साथ में बिता सके। तब चाचू उन लोगों को देख के मना नहीं कर पाए और उन्होंने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन एक शर्त पे। उन्होंने कहा कि शाम होने से पहले तुम सभी लोग घर वापस लौट आओगे। सब ने ही कहा कि हाँ ठीक है। अगले दिन सुबह होते ही सब सामान पैक करके वहाँ के लिए निकल जाते हैं। वो विलेज के थोड़ा बाहर का एरिया था जहाँ पर कोई आता जाता था नहीं। वहाँ जाते ही उन लोगों को वहाँ की शांति में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। शहर के भीड़ भाड़ से दूर ऐसी जगह पे ये उन सभी लोगों का पहला एक्सपीरियंस था, जो कि उन सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था। उन लोगों को तब उनके फ्रेंड तरुण ने मजाकिया अंदाज में बोला कि दोस्तों, तुम्हें नहीं लगता ये बॉलीवुड की किसी टिपिकल हॉरर मूवी का सेट है? उसकी ये बात सुन के सभी लोग हंसने लगे। फिर वो लोग कार अंदर पार्क करके कोठी के अंदर जाने लगे। वहाँ अंदर जब वो लोग गए तो वो जगह बिल्कुल साफ थी, जो देख के दीदी को काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई कि ये देखो,
यहाँ पे वैसे काफ़ी समय से कोई आता जाता है नहीं, फिर भी इस जगह को बहुत साफ सुथरा रखा गया है। उसके बाद उन्हें वहाँ पे कुछ पुराने ज़माने का सामान दिखा। फिर तरुण और अभिषेक ये सब लोग शराब पीने के लिए अंदर रूम में चले गए। दी और उनकी बेस्ट फ्रेंड चेंज करने रूम के अंदर चली गई। स्नेहा दी, मेघा दी और जीजू वहाँ रखा सामान के पिक्चर लेने लगे। फिर सभी लोग फ्रेश होकर के एक साथ खाना खाने लगे। तब तक दोपहर के 3 तो बज ही गए थे। अब किसी को भी वहाँ से वापस घर जाने का मन नहीं कर रहा था। सब कोई वहाँ पे कम से कम एक रात तो रुकना ही चाहते थे। उसके बाद उन्हें पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। उन्हें उनके चाचा का कॉल आया तो वो बोले कि तुम लोग जल्दी से वापस आ जाओ वहाँ से। तो ये सब सुनने के बाद उन्होंने मना कर दिया और बोले कि हम लोग कल सुबह 5 बजे ही आ जाएंगे, प्लीज़ चाचा रहने दीजिए ना, एक रात की ही तो बात है। उनकी बेस्ट फ्रेंड बोली कि चाचा एक ही दिन की बात है, सुबह सुबह होते ही हम आ जाएंगे। तो चाचा भी मना नहीं कर पाए और बोले कि कल सुबह सुबह आ जाना। फिर उसके बाद शाम को अभिषेक और तरुण जो कि ड्रिंक किए हुए थे वो अपनी उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दिए। कोठी में टॉयलेट होने के बावजूद वो पीछे की साइड बगीचे वाले तरफ टॉयलेट करने के लिए चले गए। फिर वहाँ से वापस आते वक्त तरुण जोर से नीचे गिर गया, तो नशे में होने के कारण वो वहीं पे खड़ा हुआ और गाली देने लगा। उसके बाद उसने एक पत्थर से ज़मीन में मारने लगा। तब उसका फेंका हुआ पत्थर मानो किसी चीज़ से टकराया। तब उन दोनों को ही शराब के नशे में ऐसा लगा कि ये घर इतना पुराना है, और घर ही क्यों, ये एक पूरी की पूरी कोठी है, तो हो सकता है कि यहाँ पे शायद कोई सोना गड़ा हुआ हो। तब वो दोनों वहाँ पे खुदाई करने लगे। तब वहाँ से थोड़ी सी खुदाई करने पे उन्हें एक मटकी मिल गई। वो लोग उसको उठाए और ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगे, लेकिन उस मटकी में उन्हें बिल्कुल भी वजन नहीं महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि शायद वो बिल्कुल खाली ही है। तो वो लोग दौड़ते दौड़ते उस मटकी को जीजू के पास ले आए और उनको मटकी दिखाते हुए बोले कि ये देखो हमें क्या मिला। इसके बाद जीजू बोले कि तुम ऐसे पागलों की तरह कोई भी चीज़ उठा के नहीं ला सकते। मेरे जीजू दरअसल भूत प्रेत में विश्वास रखते थे, तो उन्होंने कहा कि कभी भी ऐसे कोई भी पुराना सामान नहीं उठाना चाहिए, उसमें हो सकता है कुछ अनजान शक्तियाँ मौजूद हों। तरुण और अभिषेक दोनों उसको वहीं पे फेंकने के लिए वापस गए, लेकिन मटकी को रखने के चक्कर में तरुण काफ़ी जल्दी में जा रहा था और नशे होने के कारण उसके हाथ से वो गिर गया और उसका एक साइड टूट गया। ये देख करके वो लोग काफ़ी डर के जीजू के पास आके बोले। तो जीजू बोले कि पुराना घर है तो क्या हुआ, ज़रूरी थोड़ी है सारी चीज़ें भूतिया ही होंगी, और उन्होंने कहा कि जो हुआ भूल जाओ। उसके बाद रात में करीब 8 बजे के आसपास एक बहुत ही अजीब घटना हुई। जिस जगह से उन्होंने वो मटकी निकाली थी उसी जगह में से किसी के मानो कराहने की आवाज़ आ रही हो। कोई औरत जो कि दर्द से तड़प रही थी उन्हें शायद आवाज़ दे रही थी। ये सुन के उन लोगों को काफ़ी अजीब लग रहा था। तब मेहा बोली कि तरुण मजाक उड़ा रहा था ना, पर अब देखो बॉलीवुड मूवी की तरह ही सब कुछ हो रहा है। तब स्नेहा दीदी बोली कि ऐसा भी हो सकता है कि पीछे क्योंकि जंगल का इलाका हो तो कोई इंसान किसी जानवर का शिकार हुआ हो और अपना जान बचाने के लिए इधर आ गया हो, हम लोगों को उसकी हेल्प करनी चाहिए। तुम तो यार शहर के पढ़े लिखे लोग हो, फिर भी ऐसे गवारों वाली बातें क्यों कर रहे हो। उनकी ये बातें सुनकर वो सब लोग वहाँ पे आखिर देखने गए कि बगीचे में हुआ क्या है। तो उसके बाद जैसे ही वो वहाँ पे गए तो एक बहुत ही अजीब चीज़ उन्हें दिखी। वहाँ बगीचे में जामुन के पेड़ के पास उनको कोई औरत नीचे लेटी हुई मिली जो कि दर्द से कराह रही थी। जीजू ये देखकर जल्दी से उस औरत को उठाने के लिए आगे बढ़े और तरुण दी, अभिषेक वहाँ उनके साथ साथ, स्नेहा, मेघा दी और उनकी बेस्ट फ्रेंड सारा सामान गाड़ी में रख के कोठी लॉक करके गाड़ी के पास वेट कर रही थी।
जीजू दी सब कोई उन औरत को लेकर के गाड़ी में बैठ गए। जीजू कार चला रहे थे, दीदी सामने वाली सीट पे थी, जीजू के साथ बाकी सभी लोग पीछे बैठे हुए थे। स्नेहा और वो औरत और उनकी बेस्ट फ्रेंड बीच में थी। तब वो लोग वहाँ से निकल के हॉस्पिटल की ओर जाने लगे। गांव के अंदर था हॉस्पिटल। मेघा दी उस औरत से पूछी कि क्या हुआ है आपको, ये सब आपके साथ कैसे हुआ। तब वो बोली कि वो गांव जा रही थी लकड़ी लेकर कि तब गोह ने उनके देख के उनके ऊपर हमला कर दिया। अब जिन लोगों को ये नहीं पता है कि गोह क्या होता है, तो मैं बता दूं कि गोह मॉनिटर लिजार्ड को बोला जाता है। फिर दी की बेस्ट फ्रेंड गाड़ी रोकने को बोलती हैं और गाड़ी रुकते ही गाड़ी से उतर के उल्टी करने लगती हैं। तो दी, अभिषेक, तरुण, मेघा गाड़ी से नीचे उतर के उनको पानी पिलाते हैं। फिर दी पूछी कि क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना। तब उनकी फ्रेंड कुहू बोली कि डिम्पी, उस औरत में कुछ तो गलत है, उसके ऊपर से बहुत अजीब सा स्मेल आ रहा है और उसका पैर भी जला हुआ है। तब जब सब कोई गाड़ी की तरफ देखे तो उस औरत के फेस में एक बहुत ही अजीब सी हंसी थी। दी जीजू और स्नेहा को गाड़ी से जल्दी निकलने के लिए बोली, लेकिन तब तक गाड़ी को पता नहीं क्या हुआ, एकदम मानो आउट ऑफ कंट्रोल ही हो गई गाड़ी। स्टीयरिंग जीजू के हाथ में होने के बावजूद वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। स्नेहा दी जोर से चिल्लाने लगी, तब वो औरत उनके गले पे नाखून से पंजा मार दी, जिसके चलते उनके गले से खून निकलने लगा और वो कार एक पीपल के पेड़ से जाके टकरा गई। बेशक गाड़ी ज़्यादा दूर से चलते हुए ना आई हो, लेकिन टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि मुश्किल ही था कि गाड़ी के अंदर बैठा कोई भी शख्स जिंदा बचा हो। और तो और गाड़ी में आग भी लग गई थी। पीछे से दौड़ते दौड़ते अभिषेक और तरुण जल्दी से जा कर के वहाँ देखे तो वो औरत वहाँ पे थी ही नहीं। स्नेहा दीदी की सांसें अभी चल रही थी पर वो होश में नहीं थी, लेकिन जीजू की वहीं पे मौके पे ही मौत हो गई थी। उनकी बॉडी पे नाखून से निशान थे, गले की हड्डी सारियाँ टूटी हुई थी और सिर से खून निकल रहा था। दीदी तो ये देख कर के जिंदा लाश की तरह ज़मीन पर गिर गई। उनको बार बार डांट लगाए जा रही थी कि मुझे छोड़ के क्यों गए। कुहू रोड पर बैठ कर के रोने लगी। अभिषेक स्नेहा को गाड़ी से निकाल करके बाहर लेकर के आए, तरुण दी को उठाने में लगा था। वो लोग पुलिस को कॉल करने के लिए जब फ़ोन निकाले तो वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं था। इधर दी भी उठ गई और रोने लगी। तभी मेघा दी की नज़र पीपल के पेड़ पर गई और उन्होंने ऊपर एक बहुत ही भयानक दृश्य देखा। उन्होंने ऊपर देखा कि पेड़ के ऊपर वही औरत बैठी हुई है और उन्हें देखे जा रही है। तभी मेघा दी सबको बोली कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ, ऊपर देखो। तब सब कोई वो देखकर भागने लगे। कुहू दी को उठाई और सब एक साथ भागने लगे। सब कोई जंगल की तरफ जाने लगे, पर वो औरत उनसे भी तेज थी, वो उन लोगों के आगे थी। तभी सभी लोग भागते भागते वहाँ की एक नदी के पास आ गए। उसके ऊपर एक ब्रिज था जहाँ से गांव में जाने का रास्ता था, पर वो औरत वहाँ भी आ गई और हंसने लगी। वो लोग वहाँ से भागते हुए और थोड़ा आगे आ गए तो वहाँ पे बहुत सारे अघोरी बैठे थे जो कि कुछ तंत्र क्रिया कर रहे थे। वहाँ पे तुरंत ही मेघा दी पीछे थी, जिसके चलते वो औरत ने उन्हें पकड़ के उन्हें नोचने लगी। ये देख करके तुरंत एक अघोरी उठा और उसके ऊपर राख फेंक दी। वो औरत बोली कि अघोरी तू बीच में मत आ, अभी तो हम जा रहे हैं पर इन लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे। ये बोल करके वो वापस कहीं हवा में ही मानो गायब हो गई। ये एक बहुत ही भयानक दृश्य था, वो हमारी आंखों के सामने ही गायब हुई थी। वहीं नीचे बैठ के रोने लगी दीदी और सब बात बता दी और बोली कि जीजू की बॉडी वहीं पे है। तब वो अघोरी बोला कि रात को उस इलाके में जाना सही नहीं होगा, तो हम लोग कल सुबह ही होने पर ही साथ में चलेंगे।
तब तक यहीं पे रहकर अपने घर वालों को बुला लो। तब जा कर के कुहू चाचू को सब बात बता दी और बोली कि हम लोग ब्रिज के नीचे हैं। तब चाचू और गांव के कुछ लोग नीचे कुछ देर बाद आ गए और हम लोगों को बोले कि इसीलिए तुम्हें मना करा था कि शाम को ही आ जाओ घर पे, लेकिन तुम लोग नहीं माने और वो रोने लगे। सुबह होते ही पुलिस भी आ गई और उसी जगह पे गए। तब चाचू हम लोगों को बोले कि बस बताना कि नशे की हालत में ये सब हुआ है और कुछ भी मत बताना। पर कुहू और दी लोग को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि चाचा ये सब क्या बोल रहे हैं। तब चाचा और सख्ती से बोले कि जैसा बोला है वैसा करो, क्योंकि अब जीजू भी नहीं थे तो उनकी बात का विरोध करने का नाम ही नहीं था। और सभी जगह पे यही बात फैली कि नशे में हम सबों का एक्सीडेंट हुआ है, जिसके चलते जीजू की डेथ हो गई है। ऐसा लग रहा था कि पुलिस बस चाचू का ही कहना मान रही हो। उसके बाद दीलू चाची के घर आ गई। कुछ देर बाद ही जीजू और दी के घर के सभी लोग वहाँ पे आ गए और दोपहर को पोस्टमार्टम के बाद उनका क्रियाक्रम हो गया। दी, कुहू सब कोई फैमिली में एक जगह होकर के रोने लगे थे। तब सब कोई बाहर चला गया था। उसके बाद चाचू जीजू के पापा को बोले कि हमें जिस बात का डर था वही हुआ। तब चाचा बोले कि अब छुपा करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, सब अपने ही घर के हैं और अब कुछ नहीं बचा छुपाने को, और इसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है। तब उनके चाचा बोलने लगे कि शायद ये तुम लोग जैसे आजकल के बच्चों को मजाक लगे, पर ये सच है। जब बाबा यहाँ के सरपंच थे, मतलब जीजू के परदादा, तब वो कोठी वो उन्होंने ही बनाई थी खुद के लिए। वो वहाँ पे अक्सर जाया करते थे। माँ को उनका वहाँ जाना पसंद नहीं था। यहाँ काम करने वाली माली किशोर चाचा से हम लोग पूछे कि आखिर क्या है उस कोठी में जो वो बार बार वहाँ पे जाता रहता है। पहले तो उन्होंने बताने से कतराते रहे, लेकिन जब उनसे थोड़ा विस्तार से बताने के लिए हमने बोला तो उन्होंने बता दिया कि बाबा जितने अच्छे सबके सामने हैं, पीछे वो उतने ही क्रूर इंसान हैं। वो वहाँ पे नाचने वाली बाई लेकर ला रखे हैं। और वो सुन के मुझे और भाई को एक जोर का झटका लगा कि बाबा जो कि औरतों की इतनी इज्जत करते हैं वो ऐसा क्यों करेंगे। तब मेरे भाई और मैं मेरी माँ के पास गए और पूछे, तब माँ भी यही बोली कि उसके बाद भी हम लोगों को वहाँ पे जाकर देखना था कि ये सब सच है कि नहीं। तब किशोर चाचा हम लोगों को देख करके अपने पास बुलाए। उनको पता था कि मेरे और मेरे भाई के अंदर बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं। तब किशोर चाचा सारी बातें बताना शुरू किए, लास्ट तक की जब हमारी माँ पेट से थी तब मेरे बाबा उस कोठी में 6-7 बाई लेकर के आए थे, जिसमें से एक लड़की थी। वो उस लड़की को ये बोल करके लाए थे कि वो बाद में उससे शादी करेंगे और वो लड़की अपने गांव में पूरा परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ के बाबा के साथ ही आ गई, क्योंकि वो भी उनसे प्यार करती थी। बाबा उस लड़की को कोठी में अपने बाई लोगों के साथ रखते थे। सब कुछ सही चल रहा था, फिर भैया पैदा हो गए। उसके बाद कुछ महीने के बाद ही वो लड़की भी माँ बनने वाली थी। पर जब बाबा को ये बात पता लगी तो उन्होंने कोठी में जाकर उसे अपना बच्चा होने से इनकार कर दिया और बोले कि ये मेरा नहीं है। ये सुन करके वो रोने लगी और बोली कि आपको सब पता है, आप जहाँ रखे हैं हम वहीं पर हैं, अब आप प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, पर बाबा कुछ नहीं सुने और उन्होंने एक ज़ोरदार लात उनके पेट पर मार दी, जिसके चलते उनका बच्चा पेट में ही मर गया और वो नीचे गिर के कराहने लगी। सभी जगह खून ही खून निकलने लगा। फिर बाबा उस लड़की को अपने सामने ही मरवा दिए। मरते वक्त वो बोली कि जैसे मेरा बच्चा मेरे सामने मरा है, वैसे ही तेरा बच्चा भी तेरे सामने ही मरेगा। वो बोलकर वो मर गई। उसके बाद उसको उसी बगीचे में गाड़ के वो लोग कोठी बंद कर दिए। पर बाबा को डर था कि कहीं उसकी कही बात सच ना हो जाए,
तो वो एक अघोरी को वहाँ ले जा कर के उसकी बॉडी जला के आत्मा को मटकी के अंदर रख के मिट्टी में गाड़ दिए और कोठी में हमेशा के लिए ताला लग गया और वहाँ पे जाना मना कर दिया। हम लोग भी वहाँ पे कभी नहीं गए थे और उसके बाद बाबा भी मर गए और भैया शहर चले गए। फिर गौरव आया और अब ये सब कुछ हो गया है। अब सबको सब कुछ पता चल चुका था। कुहू बोली कि ये सब अगर आप पहले ही बता देते तो शायद आज भाई जिंदा होता। तो चाचा बोले कि हम लोग नहीं जानते थे कि इस बात के असर तुम लोगों पे हो। तुम लोग ये सब भूल के वापस दिल्ली चले जाओ और किसी को भी कुछ बात मत बताना। पर उससे पहले आज रात को सब कुछ ठीक करना होगा। चाचा जा कर के एक अघोरी को लेकर आए और रात भर अघोरी घर के बाहर था। सुबह होते ही चाचा दी लोग को लेकर कोठी गए और उस मटके को अघोरी को दिखाए। फिर अघोरी कुछ मंत्र पढ़ के सामने की नदी में उस अस्थियों को विसर्जन कर दिया। चाचा नहीं चाहते थे कि गांव में कोई कुछ भी जाने, जिसके चलते उनकी रेपुटेशन ख़राब हो जाए। उसके बाद दी लोग दी दिल्ली आ गई। दी आज तक भी शादी नहीं की हैं। दी को आज भी यही मानती हैं कि पहले जो कुछ भी हुआ था, लेकिन इसमें जीजू की क्या गलती थी और उनको उनसे क्यों छीन लिया गया। और दीदी अब कभी भी किसी भी गांव में नहीं जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली कहानी। तो बिना टाइम और बर्बाद किए आज की अगली कहानी की ओर चलते हैं। मेरा नाम आरू है। ये स्टोरी तब की है जब हम 11 साल के थे। उस दिन हम स्कूल से जब घर वापस आए, उसके बाद एक दो घंटे के बाद ही पापा के नंबर पे एक कॉल आया। पापा बात करते करते अचानक से शांत हो गए। वो कॉल उनके मामा के घर से आया था, जो कि सुभाष नगर में रहते हैं। उनके मामा बहुत साल पहले ही लापता हो गए थे। उनके घर में उनकी वाइफ, दो बेटे और दो बेटी रहती थी, जिसमें से दो बेटी की शादी हो चुकी थी छोटी वाली फुआ के अंडमान में और बड़ी वाली फुआ की बंकूरा में। कॉल चाचू किए थे कि बड़ी वाली फुआ जल गई हैं, बहुत ही सीरियस हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जितना जल्दी हो सके बंकूरा के हॉस्पिटल में आ जाएं। तो पापा उसी दिन अपने छोटे वाले मामा के साथ बंकूरा चले गए। उनकी बॉडी लगभग पूरी जल चुकी थी। पापा लोग जब वहाँ पहुँचे तब उनके भाई पापा को देख करके रोने लगे, उनकी बेटी भी रोने लगी। फिर चाचू बोले कि बुआ के घर पे लाइट नहीं था तो वो कैंडल जला करके पोछा लगा रही थी, जिससे उनकी नाइटी में आग लग गई। और आग कब लगी ये उन्हें खुद भी मालूम नहीं चला, लेकिन जब उन्हें पता लगा तब तक उनकी बॉडी में आग पकड़ चुकी थी। उसके बाद वो घर से बाहर की ओर भागने लगी चिल्लाते हुए, जिससे ऑक्सीजन के कारण हवा में आग और तेज़ी से उनके बॉडी में लग गई। कोई भी मोहल्ले वाला या कोई घर वाला भी उनके सामने नहीं जा पा रहा था, जिसके चलते उनका पूरा शरीर लगभग जल चुका था। फिर उसके बाद किसी घर वाले ने ही एक रजाई से उनको लपेट दिया, जिसके चलते आग बुझ गया। फिर उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया। फिर इधर हम लोग के घर पे सभी लोग उस वक्त परेशानी में थे कि क्या हुआ है। तब हम लोगों के पास एक ही फ़ोन था जो कि पापा लेकर के गए हुए थे, तो हम लोगों को उस वक्त तक कुछ भी नहीं पता चल पाया था कि आखिर हुआ क्या है। घर पे सभी लोग रो रहे थे। फिर उसी रात मेरी अपनी बुआ 12 से 12:30 बजे के बीच में टॉयलेट करने के लिए उठी। जब वो टॉयलेट कर रही थी तब उसको एक औरत की परछाई नज़र आने लगी। लाइट सब ऑन थी, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि लाइट्स ऑन होने के बावजूद उनको परछाई कैसे नज़र आ रही थी, वो भी बिल्कुल काले रंग की। बुआ वो देखकर ज़ोर से चिल्लाते हुए अंदर आ गई। तब हम सब लोग कोई उठ गए। बुआ ज़ोर से काँप रही थी। फिर हम लोगों को बोली कि वहाँ पे एक औरत खड़ी हुई है। तब मम्मी और हम जा करके वहाँ देखे
तो वहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिखा। वैसे ही जागते हुए हमारी पूरी रात कट गई। जैसे ही सुबह हुई तब पड़ोस वाले भैया मेरे घर पे आए और बोले कि उनके पास मेरे पापा का कॉल आया था, वो बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहते हैं दादी से। तब वो भैया को कॉल लगा कर दे दिए, तो पता चला कि बीती रात ही करीब 8 से 9 बजे के बीच में ही मेरी बुआ की डेथ हो गई है हॉस्पिटल में। अब सभी लोग उन्हें लेकर घर जा रहे थे, तब सब कोई मेरे घर पे एक बार फिर से रोने लगे। फिर मेरी बुआ रोते हुए ही बोली कि शायद कल वही हमारे से मिलने आई थी, क्योंकि मेरी बुआ और वो बुआ दोनों आपस में एकदम सगी बहन की तरह रहती थी। उसके बाद उनका क्रियाक्रम हो गया और पापा अभी वहीं पे थे। इधर घर पे रात को अजीब अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। रात को लगता था कि अचानक से बंद गेट खुल जाता था, कभी कभी ग्लास गिर जाते, और ऐसा ही नहीं हमें कई बार अजीबोगरीब आवाज़ें भी सुनाई देती थी। मेरे घर पे अचानक से बहुत सारी बिल्ली भी आने जाने लगी थी। तब हम लोगों को लगता था कि वही लोग ये सब कर रहे होंगे और कोई बाथरूम के लिए उठा होगा तो गेट खुला छोड़ दिया होगा। पर उसके बाद दिन प्रतिदिन मामला और बिगड़ता गया। अब रात को आंगन में से किसी के पायल की आवाज़ आने लगी थी। मेरे घर पे अब सबको 3-4 दिन में धीरे धीरे पता चलने लगा था कि कुछ ना कुछ तो गलत है। अब एक दिन भी काटा नहीं जा रहा था, रात भर कोई नहीं सो पाता था। फिर उसके बाद वही आवाज़ रात को आने लगी। मेरी बुआ उस दिन गुस्से में बोली कि कौन है, हिम्मत है तो ज़रा सामने आकर के दिखा, ऐसे क्यों कर रही है, घर में बच्चे लोग भी हैं, जो जहाँ से आया है वहीं पे वापस चला जाए। फिर वो आवाज़ अचानक से बंद हो गई और सभी लोग सोने के लिए चले गए। फिर उसी रात को मेरी बुआ सो रही थी कि करीब सुबह के 4-4:30 बजे के बीच वो इतनी ज़ोर से चीखी कि उनकी चीख सुन के सभी लोग उठ गए। जब फुआ से सभी लोग पूछने लगे कि क्या हुआ है तो बुआ बोली कि कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना था, और वापस से सो गई। सबको ये यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच बोल रही हैं, लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो बुआ ने सभी लोगों को इकट्ठा करके सारी बात बताई कि रात में, बुआ बोली कि रात को उसी बुआ को सपना आया था। वो बुआ सपने में आकर के मेरी बुआ को बोली कि वो हम ही थे जिसकी पायल की आवाज़ आती है रात में, और बुआ सपने में ही बोली कि आप ऐसा क्यों कर रही हो, हम लोग क्या किए हैं ऐसा। तब वो बुआ बोली कि मेरा दर्द सिर्फ तुम लोग ही समझ सकती हो, जिसके चलते हम सच बताने आए हैं। तब बुआ बोली कि जिस दिन हम पोछा लगा रहे थे घर पे, उस टाइम पे सुबह हो रही थी तो कैंडल जलाने की तो ज़रूरत ही नहीं थी, तो आग कहाँ से लगा, उन्होंने पूछा। तब लोग कोई भी इस बारे में नहीं सोची, वो आग अपने से नहीं लगी थी, वो आग तुम्हारे जीजा ही लगाए थे, उन्होंने मेरे पीछे से मेरी नाइटी में आग लगा दी थी। और इतना सुनते ही मेरी बुआ बोली कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो तो आपसे इतना प्यार करते हैं, वो ये सब क्यों करेंगे। तो बुआ बोली कि तुम्हारे जीजा किसी और औरत के साथ रिलेशन में थे, जो बुआ को एक दिन पता चल गया था, पर बुआ अपनी बेटी की वजह से उनके साथ रह रही थी, उनके पापा भी नहीं थे और भाई लोग बड़ी मुश्किल से उनकी शादी करवाए थे, जिसके चलते वो अपने मायके भी नहीं जाना चाहती थी। तब उनके मायके के हालात भी सही नहीं थे। तब बुआ अपने हस्बैंड को बोली कि हमारी एक बेटी है, उसके ऊपर क्या बीतेगी जब उसको पता चलेगा, लेकिन उनके हस्बैंड उनकी बात नहीं माने। तब वो बोली कि अब वो पुलिस और घर वालों सभी को सब कुछ बता देगी। तब फूफा बहुत ही डर गए और बोले कि नहीं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, वो उस औरत को छोड़ देंगे। उसके बाद ही अगले दिन ही बुआ को आग लग गई। वो कैंडल जीजा ने ही जला के वहाँ पे कब उनकी नाइटी में आग लगा दी, उन्हें सच में पता ही नहीं चला।
बस वो यही सच बताने वापस आई हैं कि ये कोई हादसा नहीं है। बुआ यही बात सुन करके रात में ज़ोर से चीख के उठी थी। उसके बाद पापा भी क्रियाक्रम ख़त्म होने के बाद वापस घर आ गए। तब पापा को भी सब बात पता चली। तब पापा उनके मामा के घर पे सबको बात बता दिए। तब चाचू लोग भी जब उन्हें पता लगी तो उनके पड़ोसी से पता चला कि बुआ के हस्बैंड अच्छे इंसान नहीं थे और हमेशा ही लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। पर बुआ कभी भी कुछ नहीं बताई, जिससे मायके वालों को कुछ भी पता नहीं चला था जो वो लोग कुछ कर पाते। चाचू लोग सब कुछ पता चलने के बाद पुलिस की हेल्प के लिए गए, पर ज़्यादा दिन तक केस नहीं चला। सबूत ना होने के कारण पुलिस के मामले में कोई नहीं पढ़ना चाहता था, जिसके चलते उनके पड़ोसी लोग भी कुछ बोलने से मना कर चुके थे। चाचू लोग केस हार गए। उनकी बेटी भी अब अपने पापा के साथ नहीं रहना चाहती थी, पर उसके पापा उसको अपने मामा के घर नहीं जाने दिए और 17 साल की उम्र में ही एक शराबी इंसान के साथ उसकी शादी करा दिए और वही औरत से शादी करके बुआ की फैमिली से सब रिश्ता तोड़ दिए। आज उनकी बेटी कहाँ है, किस हाल में है, ये किसी को भी नहीं पता। हम लोगों ने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कभी भी नहीं मिली। आज इस बात को 6 से 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक भी दीदी का कुछ पता नहीं चल पाया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की 2 बिल्कुल सच्ची डरावनी कहानियाँ। अगर आपको ये स्टोरीज अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं अभिषेक आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।